खबर ये है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एक बार फिर रशिया जा रहे हैं, लेकिन एक दफा ओपन डिस्कशन होना जरूरी है। लेकिन आप ये देखें कि इंडिया ने शी और शहबाज उसको इग्नोर करके पुतिन को एम्ब्रेस किया। जो बाइडेन की कॉल बंद होते उन्होंने कॉल की है पुतिन को, पुतिन से बात की है कि हम जो है रशिया और यूक्रेन की जो है जंग बंदी करवाने की बात करें। इंडिया की तरफ से एससीओ समिट के लिए यस नहीं किया, लेकिन ब्रिक्स के लिए उन्होंने फौरन यस कर दिया। इस वक्त तकरीबन 196 या 200 के लगभग ममालिक मौजूद हैं। ठीक है, इन 204 में से सिर्फ इंडिया ही वो वाहिद मुल्क है। तुम ये बातें करना, जिसमें एक बात ये है कि इंडिया क्या कर सकता है रशिया को चुप करवाने में? What role can you play? क्या आप कोई किरदार अदा कर सकते हैं? आप जिधर जाते हैं पीस की बात करते हैं। मैं कह रही हूँ, बिल्कुल मैं एग्री करती हूँ कि मोदी साहब ने बहुत दफा ये कहा, पुतिन के सामने बैठ भी कहा है कि पुतिन ये इरा जो है वॉर का नहीं है, उन्होंने कहा। लेकिन आज देखिए, इंडिया एक ऐसा मुल्क है जिसकी पॉलिसीज ऐसी है जो कभी किसी के मुद्दे में नहीं घुसता। आज इंडिया को बुलाया जा रहा है, आज इंडिया की हेल्प मांगी जा रही है। कॉल पे तो बात कर ली, डायल तो कर लिया, फोन कॉल पे तो हो गई, लेकिन अब वहाँ पर पहुँच कर भी प्रेजिडेंट पुतिन से वो बात करेंगे। तो क्या जो इंडिया की तरफ से फौरन उसको कंफर्म किया गया है ब्रिक्स के समिट में जाने को, तो इस वजह से भी है कि अब ये एक और मुलाकात उनकी प्रेजिडेंट पुतिन के साथ होगी, और हो सकता है कि यूक्रेन और रशिया की जंग बंद करवाने में हो सकता है कोई निकल गया ऐसा मौका। आज इंडिया को बुलाया जा रहा है, आज इंडिया की हेल्प मांगी जा रही है। तो इंडिया के मोदी साहब ने जो बाइडेन की कॉल बंद होते उन्होंने कॉल की है पुतिन को, पुतिन से बात की है कि हम जो है रशिया और यूक्रेन की जो है जंग बंदी करवाने की बात करें। सर, यहाँ पे सवाल ये भी पैदा होता है कि देखिए, अमेरिका जैसा मुल्क जो है आज वो सिर्फ और सिर्फ कहते ना कि इंडिया के बलबूते बैठा हुआ है। जो जफ्फी मोदी साहब ने रशिया में पुतिन को डाली, वो जफ्फी की तो वाह वाह होगी, यूरोप को समझ आएगी कि भाई पुतिन अगर मानेगा तो मोदी की बात मानेगा। अब मैंने आपको जैसे बताया कि इंडिया इज स्ट्रेंथनिंग स्ट्रेटेजिकली डे बाय डे, ठीक है ना, हर आए दिन के साथ इंडिया इज ग्रोइंग अप, एंड इसमें अमेरिका का बहुत बड़ा किरदार है। अमेरिका के बलबूते आप नहीं कह सकते कि इंडिया नाउ मौजूद है, बल्कि एक दोनों के जो म्यूचुअल कंसेंट से इंटरेस्ट के साथ ये अब मौजूद हैं, और अमेरिका ने बहुत स्ट्रेंथन किया है इस वक्त इंडिया को। और आप ये महसूस करें कि नौ मोदी जी एक जो दुनिया के उफक पर मौजूद ताकतवर लीडर मौजूद हैं, चाहे प्योटन है, शी जिनपिंग हो गया, उसके साथ साथ जो बाइडन हो गया, उसी फहरिस्त में नौ मोदी जी कहीं ना कहीं आपको आते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि जिस तरह के कंसेंसस, जिस तरह की बातचीत इन बड़े ताकतवर लीडर्स के दरमियान आपको दिखाई दे रही है, तो मोदी जी उसका हिस्सा बनते जा रहे हैं। तो दैट्स ए गुड एंड अमेजिंग थिंग बस फॉर दिस कॉन्टिनेंट। ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे इस एशिया से भी कोई ताकतवर ऐसा लीडर कह लें, या कोई ऐसा रहनुमा, या इस तरह की कोई शख्सियत सामने आ रही है कि जिससे बातचीत की जा रही है। या मैं आपको शैला एक इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा फॉरेन अफेयर्स के अदबार से। फॉरेन अफेयर्स के मैदान पे जिस तरह मोदी जी बल्लेबाजी कर रहे हैं, यकीन जानिए कि एक के बाद एक आपको छक्का पवेलियन से बाहर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। उसकी बड़ी मिसाल आपको मैं हालिया बताऊं। देखें, यूक्रेन की से जाने से पहले मोदी जी का से ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि कहीं रशिया नाराज़ ना हो जाए उनसे, और रशिया के दिल में या गुमान में इंडिया के लिए कोई किसी किस्म की खालिद जन्म ना ले ले। तो मोदी जी को ये यकीनन बताया गया कि आप रिस्की हो सकता जी रिस्की हो सकता है, तो आप इस चीज़ को मैनेज करने के लिए जो फजाई रूट इख्तियार करें वो रशिया से होकर जाएँ यूक्रेन की तरफ, ताकि रशिया को भी एक गुडविल जेस्चर मिल जाए और उसको भी वो एतमाद में ले सके। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एक बार फिर रशिया जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी इज गोइंग टू रशिया अगेन, और इस बार रशिया वो जाएंगे ब्रिक्स अटेंड करने के लिए, और रशिया जाने के लिए उन्होंने कंफर्मेशन दे दी है। तो एक तो इस खबर पर बात करते हैं, और इसी के साथ मैं देख रही थी कि एबीसी न्यूज में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के यूक्रेन विजिट पर एक बहुत इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट पब्लिश हुई है, खबर है, उसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले, इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एक बार फिर रशिया जाने के लिए तैयार हो चुके हैं, और उन्होंने
कंफर्म कर दिया है टू प्रेसिडेंट पुटिन हिज रेडीनेस टू अटेंड ब्रिक्स समिट इन कजान। अब रशिया में ये समिट हो रही है, ब्रिक्स समिट हम पहले से जानते हैं, लेकिन इससे पहले न्योता गया था पाकिस्तान की तरफ से। पाकिस्तान ने दावतनामा भेजा है मोदी साहब को कि वो तशरीफ लेके जाएं पाकिस्तान और अटेंड करें SCO समिट। उसके लिए आप ना ही समझें, क्योंकि उसके लिए कोई यस नहीं किया गया। इंडिया की तरफ से SCO समिट के लिए यस नहीं किया, लेकिन ब्रिक्स के लिए उन्होंने फौरन यस कर दिया। हालांकि SCO ब्रिक्स से पहले और ब्रिक्स बाद में है, लेकिन फिर भी ब्रिक्स का कंफर्मेशन दे दी गई कि जी मोदी साहब रशिया जा रहे हैं और वो वहाँ पर प्रेसिडेंट पुटिन से मुलाकात भी करेंगे। कुछ और जो डिटेल्स हैं वो भी आपको बताती हूँ, लेकिन आप ये देखें कि इंडिया ने शी और शहबाज उसको इग्नोर करके पुटिन को एम्ब्रेस किया। क्या ये बात गलत है? ये बात गलत इसलिए नहीं है कि अभी वो रशिया से होकर गए हैं, लेकिन एक बार फिर जो है, सॉरी माफी चाहती हूँ मैं आपसे जी, एग्जैक्टली तो एक बार फिर जो है वो फिर वहाँ पर तशरीफ लेके जा रहे हैं। अब SCO के हवाले से ये बहुत ज़्यादा बात थी कि जी SCO में हो सकता है कि मोदी साहब तशरीफ लेके जाएं, हम पहले ही आपको कह चुके हैं कि ना ही समझो। ऐसा बहुत मुश्किल है कि PM मोदी SCO में जाएंगे, बहुत मतलब इम्पॉसिबल है, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता सर, ये नहीं हो सकता, आप देख लीजिएगा। वो जो कहते हैं हाँ जी तुसी ना ही समझो से ये पता चलता है कि, और साथ ही फिर मोदी साहब ने पुटिन को भी कॉल में ला दी और पुटिन को ये कहा कि पायन जो ये ताल्लुकात हैं इनके ऊपर कहा यही है कि जो रशियन वजीर आजम सदर से बात हुई है वो इंडिया रशिया बायलैटरल समिट के हवाले थे, ठीक है जी, कि जो हमारा जो समिट हुई थी बड़ी अच्छी हुई थी, रीजनल इंटरनेशनल इशूज़ पर हमने बात की और रिसेंटली जो मीटिंग्स हुई उसके हवाले से बात की। बेसिकली शायद पुटिन साहब को ऑन बोर्ड लेते होंगे। अमेरिकन्स ने, मैंने अपनी डिस्कशंस में ये कहा था कि अमेरिकन्स माइट हैव आस्क्ड पुटिन ज़ेलेंस्की कि तुम ये बातें करना, जिसमें एक बात ये है कि इंडिया क्या कर सकता है रशिया को चुप करवाने में, व्हाट रोल कैन यू प्ले, क्या आप कोई किरदार अदा कर सकते हैं? आप जिधर जाते हैं पीस की बात करते हैं, आप ये कहते हैं जब यूक्रेन के हवाले से डिस्कशन हुई तो उन्होंने कहा कि नहीं हम वी आर ऑन द साइड ऑफ द पीस, तो जब ये नरेंद्र मोदी के अल्फाज हैं, तो इफ़ इंडिया इज़ ऑन द साइड ऑफ द पीस सो व्हाट इज़ इंडिया इन फैक्ट डूइंग। ये क्वेश्चन जो है ये एक मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इंडिया क्योंकि उसके ऊपर बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म आ रहा था कि आप रशिया के साथ खड़े हैं, आप रशिया के साथ खड़े हैं, तो उन्होंने ये नहीं कहा कि हम रशिया के साथ नहीं हैं या हम यूक्रेन के साथ, उन्होंने कहा हम अमन के साथ हैं। अच्छा, अमन के साथ इतनी वेग टर्म है कि आप कर क्या रहे हैं? दो तरह के मुल्क है ना, एक वो मुल्क है जो कहते हैं कि हम अमन के साथ हैं बट दे कांट, मुल्क है जो अमन के साथ है लेकिन कुछ कर सकता है। सो इंडिया किस साइड पे खड़ा होना चाहता है? इंडिया अमन की तरफ है लेकिन कुछ करना भी चाहे, करें ना जी, आप फिर बताएं। तो वो जो डिप्लोमेसी है, डायलॉग एंड डिप्लोमेसी की आप बात करते हैं, मुझे ऐसे लगता है, मेरी एक ऑब्जर्वेशन है कि अब से बैक चैनल टॉक्स जो है वो शुरू हो सकती हैं, और वो जो टॉक्स हैं वो आई डोंट नो क्या रिजल्ट है क्या, लेकिन टॉक शुरू हो गई है। और मेरा ख्याल है कि ये ज़ेलेंस्की ने फीडबैक दिया है अमेरिकन्स को। इंडिया पाकिस्तान को भी ब्रिक्स में ले जा चुका होता अगर इंडिया और पाकिस्तान इकट्ठे होते, यानी ये कि निभ रही होती, अच्छे ताल्लुकात होते, रिलेशंस होते, तो पाकिस्तान के भी ब्रिक्स में जाने की कोई मसला नहीं था, ये हाथ पांव मारने की जरूरत ही ना पड़ती। सिर्फ एक बार कहते आप मोदी साहब को।